पाठ 16 वाक्य शुद्ध करना। कई छात्र व्याकरण का उचित ज्ञान न होने के कारण वाक्य में वचन और लिंग की त्रुटियां करते हैं, इसीलिए इन वाक्यों में क्रिया का मेल भी ठीक नहीं बैठता। परिभाषा। वाक्य लिखते समय लिंग, वचन और क्रिया का ध्यान रखना चाहिए। इनका तालमेल बिगड़ने पर वाक्य शुद्ध हो जाता है। अतः छात्रों को सावधान होकर वाक्यों की रचना करनी चाहिए। नीचे कुछ अशुद्ध वाक्य और उनके शुद्ध रूप दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। अशुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य, मेरे को खाना दो, मुझे खाना दो। वे हमारे घर आता है, वे हमारे यहाँ आते हैं। वो मेरी बहन है, वह मेरी बहन है। मैंने अब घर जाना है, मुझे अब घर जाना है। मैं पानी पिया, मैंने पानी पिया। आज शनिवार का दिन है, आज शनिवार है। वह मेरा बात नहीं सुनता है, वह मेरी बात नहीं सुनता है। यह लड़की बहुत अच्छा है, यह लड़की बहुत अच्छी है। मैंने मेरा गृह कार्य कर लिया है, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। तेरे को वहाँ जाना चाहिए, तुझे वहाँ जाना चाहिए। मेरा वस्तु को मत छुओ, मेरी वस्तु को मत छुओ। तेरे को किसने मारा, तुझे किसने मारा। उसका आदत बहुत अच्छा है, उसकी आदत बहुत अच्छी है। क्या तुम अपने घर जाता है, क्या तुम अपने घर जाते हो। कृपया करके यहाँ मत आना, कृपा करके यहाँ मत आना। तुम्हें तुम्हारा काम करना है, तुम्हें अपना काम करना है। आज केवल 10 विद्यार्थी आया है, आज केवल 10 विद्यार्थी आए हैं। सच सदा बोलो, सदा सच बोलो। भानु ने दौड़ लगाया, भानु ने दौड़ लगाई। मैं अपना पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ। घड़ी में कितने बजा है, घड़ी में कितने बजे हैं। हमने अब क्या करना है, हमें अब क्या करना है। पेड़ में फल लगे हैं, पेड़ पर फल लगे हैं। मैंने दो लड्डू खाया, मैंने दो लड्डू खाए। हम कल बहुत रोया, मैं कल बहुत रोया। आपने कौन को बुलाया है, आपने किसको बुलाया है। नौकर ने सब्जी खरीदा, नौकर ने सब्जी खरीदी। बच्ची जोर जोर से रोया, बच्ची जोर जोर से रोई। रोगी को दवा दिया गया, रोगी को दवा दी गई। 210 नंबर का बस यहाँ से चलता है, 210 नंबर की बस यहाँ से चलती।